आज हम सहजन साग का दलसग्गा बनाएंगे। तो इसके लिए हम सहजन का साग ले लिए, इस तरह से निकाल लिए हैं, एक एक पत्ता छुड़ा लिए हैं। और यहाँ मसूर दाल है और ये दो हरी मिर्च है और 10-15 लहसुन की कली है। तो सबसे पहले हम इस दाल को धो के एक सीटी लगा लेते हैं। अब इसमें हम दाल डाल दिए हैं धो के, हल्दी और नमक, और एक सीटी तक लगा पकाएंगे इसको, मात्र एक सीटी। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, अब हम एक चुटकी हींग डाल रहे हैं। और हींग जल जाने के बाद हम इसमें लहसुन और कटा हुआ हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम ये सहजन का साग डाल दे रहे हैं। और साग को भून लेने के बाद ये साग बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसका बीपी हाई हो जाता है इसको सिझा के उसका पानी पिलाया जाता है। और आप जहाँ उपलब्ध नहीं होता है तो इसको खरीद के लोग इसको सूखा के पाउडर बना लेते हैं और दाल में एक चम्मच डाल के और इसके बाद उबाल के इसको खाते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अब इसको हम थोड़ा देर पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल दे रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। इसको हम ढक दे रहे हैं और गैस का ताप थोड़ा कम कर दे रहे हैं ताकि ये धीमी आंच पर अच्छी तरह से पक जाए साग। अब ये साग भून जा गया है, देख सकते हैं। अब इसको हम यहाँ दाल प्रेशर कुकर से खाली करके हम एक पतीला में डाल लिए हैं और यहाँ गैस चला के चढ़ा दिए हैं। अब इसमें ये साग डालेंगे। और इसको हम 10 मिनट तक उबाल देंगे। इसके बाद मेरा दलसग्गा बन के रेडी हो जाएगा और इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये सहजन साग का दाल दलसग्गा बन के रेडी हो गया है। और इसको हम लोग सहजन साग बोलते हैं, मोरिंगा भी बोला जाता है लेकिन हम लोग सहजन साग बोलते हैं। अब इसको हम एक साथ ही साथ छोक भी लिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके चावल के साथ परोस के खाना है।